उस दुष्ट रावण ने जटायुओं को युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो और सीता मैया को लेकर उड़ गयो। और ये सब जानकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष ये सब क्या है? बाबा संभालो स्वयं को, पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बचेंगे, मैया देख रही है। मैं राम कथा सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाया, अब आप और मत फंसाओ मुझे, बल्कि आप तो मनाओ मैया को ताकि ये मुझे घर से बाहर जाने दे। बोलो भी, जे धनुष तान के खड़ो है, आप हाथ जोड़ के खड़े हो, जे सब चल क्या रहो है? फंस गए दोनों। अब आप ही संभालो। मैं कैसे? आपने ही हाथ जोड़ा था, अब समझाओ मैया को। अरे पर भावुक तो तुम भी हुए थे, तुम समझाओ। कोई कछु मुझे भी बताएगो, क्या चल रहा है, बोलो जी। सोचो मत बाबा, संभालो। बताओ भी। सियावर रामचंद्र की जय। जे आपस में कौन सी खिचड़ी पका रहे हो दोनों बाबा लल्ला? तुमने भूल की यशोदा। क्या भूल? तुमने कही ना कि हमारा कान्हा राम जी की तरह ना दिख तो, पर देखो कितना अच्छा अभिनय कियो कान्हा ने, बहुत बढ़िया कान्हा। एक पल के लिए तो ऐसा लगो मानो श्री राम स्वयं क्रोध में आ गए हो। इसका अर्थ ये है कि आप दोनों रामलीला कर रहे थे हैं? पर लल्ला एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चलो कि अब राम जी धनुष बाण उठाने वाले हैं? बोल।
यशोदा कितनी भोली हो तुम। अरे इतनी शीघ्र भूल गई, कितनी बार तुमने लल्ला को रामायण सुनाई है। तू अभिनय कर रहा था हाँ? पर जी इस आयु में इतना अच्छा अभिनय कर रहा था। अरे तुम्हारा ही तो लल्ला है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि तीव्र बुद्धि प्रतिभावान है तुम्हारा लल्ला। हाँ तो जे बोलो ना कि मैंने अपने लल्ला को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। बिल्कुल दिए, पर इसे हम सांसारिक शिक्षा ना दे पाए यशोदा, और इसे वो तब तक ना मिलेगी जब तक ये स्वयं अपनी दृष्टि से संसार को ना देखे। यशोदा सोचो, जब ये बाहर जाएगा तो नदी पहाड़ पशु पक्षी खेत खलियान कितना कुछ देखेगा, आस पास के वातावरण को समझेगो, अपने मित्र गणों के साथ खेलेगो उन्हीं की तरह मुक्त होकर। कितना अच्छा लगेगा इसे, कितना कुछ सीखेगो। मेरा तो मानना यही है कि अब तुम्हें लल्ला को बाहर जाने की अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि आज जो हो वो फिर से ना हो। पर अब पर क्या यशोदा, तुम जे चाहोगी कि हमारा लल्ला जीवन भर ऐसे ही घर में बैठो रहे, या जब भी कहीं जाए तो ऐसे ही वापस आए जैसे आ जाए हो, बताओ यही चाहती हो तुम? तो इसे अपने अपने सखाओं के साथ खेलने दो, अपनी दृष्टि से ओझल होने दो, अपने स्वर और दूरी के बंधन को समाप्त कर दो यशोदा। जब ये संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगो तभी इसे उसके बारे में पता चलेगो, तब सोचो इसे कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तभी होगो इसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकास। आप ना ऐसी गोल गोल बातें करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। लल्ला कल से तू अपने सखाओं के साथ बाहर खेलने जा सकते हो। ये हुई ना बात। आप बहुत अच्छी हो मैया, और आप भी बहुत अच्छे हो बाबा। तू भी बहुत अच्छा है मेरे लल्ला। मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए धन्यवाद नारायण। तू तो जे ही विशेष मांग रहा था पूजा के समय। हाँ? स्वामी ठीक तो है ना? वैद्य जी का कहना है सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे वो। बाबा भैया मुझे सच्ची में बाहर जाने तो देगी ना? यह आशंका तो मुझे भी है काना, कि कहीं तेरी मैया का हृदय परिवर्तन ना हो जाए। काना जी ले रख ले। ये क्या है? कछु अधिक ना है, फल रखे हैं।
पर फल की क्या हो सकता है, निकट ही तो जा रहे है, भूख लगेगी तो आ जाएगी। इसे अचानक से भूख लगी आई तो, और इतने के जो नियंत्रण ना रख पाया तो अब... रहने दो बाबा, मैया का प्रेम उमड़ रो है, फलों के चक्कर में कहीं मुझे भी ना रोक दे। हाँ हाँ उचित है, कारण ले जा, ले जा। रुक, मैं तुझे जाने ना दे सकती। जो सोचा था वही हो रही है। रुक जा। तेरे दाऊ को तो आ जाने दे, तुझे अकेले ना जाने दे सकती मैं। चलता ना मैया, अब तो जाऊं। हाँ जा। पहले छोड़ो तो मैया, फिर तो जा पाऊंगो। हाँ जा। कान्हा, किसी अपरिचित से बात मत करियो और अपने दाव के साथ ही रहियो। अरे तुम कहाँ चली? वो लल्ला। लल्ला को जाने दो। देखो यशोदा, यदि आज तुम उसके साथ चली गई ना तो कान्हा सदैव तुम्हारे आंचल पर निर्भर रहने के लिए विवश हो जाएगा। अपनी आंचल की छाओं से बाहर निकलने दो उसे। थोड़ी धूप भी आवश्यक होती है ना स्वास्थ्य के लिए। हा? वैसे ये ना तो खेल का स्थान जहाँ सब जन खेलने आते हैं, पर अभी तक तो यहाँ कोई आया ही ना। क्योंकि काना अभी तक तूने किसी को बुलाया ही नहीं। ओ हाँ, वसंता, वसंता कहाँ गो? अरे ऐसे भाग के आने की क्या हो सकता थी? छोड़ दिया कैसे? अब मैं तुम सबके साथ कहीं भी खेलने जा सकता हूँ। जय वीरापाल! लगता है स्वामी की चेतना वापस लौट रही है।
ऐसा तो मैं बाहर जा रहा हूँ। किसे ढूंढ रहे हो काना? हम सब तो यही है। पता है मुझे, पहले दिन है ना आज लल्ला को, तुम्हारे लिए तो बड़ी कठिनाई से बीता को जे दिन। अधिक मुस्कुराने की आवश्यकता ना है, मैं ठीक हूँ। और ऐसा भी ना है कि मेरा किसी कार्य में मन ना लग रहा, वो तो छोटी मोटी भूल हो जाती है ना कभी कभी। छोटी माँ की स्मृति आ रही है ना, मैया का घर पे मन ना लग रही होगा। ना ना, तो अवश्य ही तुम्हारे लिए कुछ विशेष बना रही होगी। तो हम भी कुछ विशेष बनाएं? क्या? 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 तो हम भी कुछ विशेष बनाएं? पहले खा लो, फिर बोलो। गोकुल का राजकुमार आज पहली बार बाहर खेलने आयो है, इसका महल बनाते हैं। हाँ, उत्तम विचार, बना लेगा। महल बनाने से पहले भूमि को समतल करना पड़ेगा। हाँ तो चलो। स्वामी,
ठीक तो है ना? महल बनाना आरंभ करते हैं और अब हमें रेती आवश्यकता होगी। मैं लेके आता हूँ। मैं ले आयो। ये तो सूखी रहता है, जल भी तो चाहिए हमें। नदी से लाना पड़ेगा। मैया ने नदी के पास जाने को मना किया है। ये रहियो जल। पर यहाँ तक कैसे लाए? श्रृंखला बनाते हैं। स्वामी, कान्हा इनसे उद्यान बनाते हैं। फिर मैं बनूंगा उसका परी। चुपकली। सर्वोत्तम प्रहरी है तू। लो सखाओ, बन गयो गोकुल के राजकुमार का महल। ठहरो ठहरो, इस पे कान्हा की कोई ध्वजा तो है ही नहीं। इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, ध्वजा तो आपके पास ही है। ध्वजा का प्रबंध मैं कर दूंगा, बस एक डंडी चाहिए मुझे। ये रही डंडी। बस चले तो ये डंडी भी खा जाए।
चिंता मत कर सुबल, तेरे खाने के लिए दंडी से उत्तम वस्तु है मेरे पास। के आरण में अब होगू राजसी भोग। येरी ध्वजा और येरी उसकी डंडी। हमारे राजकुमार की ध्वजा उड़ गई। राजकुमार नहीं, सखा कहो मधु। और ध्वजा की तो चिंता ही मत करो। ये तो तेरे रथ पे जाके अटक गई। अभी उतारता हूँ। मत चढ़, पुरानी संकट है, टूट गई तो चोट लग जाएगी तुम्हें। कछु ना होगो दाओ, सुना ना आपने, ये संकट ना है, ये तो मेरा रथ है। स्वामी, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? किसने की मेरी तपस्या भंग? बोलो। आपकी तपस्या तो तभी भंग हो गई थी स्वामी, जब आपको ये तीर लगा था और आप अचेत हो गए थे। पर बड़ी ही विचित्र बात है, वो तीर तुनीर से अपने आप चला कैसे और कैसे? उसी ने की है मेरी तपस्या भंग, उसी ने चलाया है वो मायावी तीर। Thank you.
बहुत अधिक चोट तो ना लगी? ध्यान से देख काना, कहीं नील तो ना पड़ गयो है? पैर में लगी है ना, एक बार मुझे भी बहुत तीव्र लगी थी। सुच तो ना गयो? केवल प्रश्न ही पूछते रहोगे, कोई मुझे उठाएगा भी? काना संभाल के। वैसे थोड़ा लाल तो लग रहा है काना, लगता है पितरी चोट। पीड़ा अधिक है क्या? हाँ दाऊ, बहुत अधिक है। काना क्या होगा? काना चोट लगी है? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? धड़ाम से गिरा था, चोट लगी है तो पीड़ा तो होगी ना। पीड़ा हो रही है? लगी है तो पीड़ा होगी ना। अरे तो क्रोधित क्यों हो रही है सुधा? चलो पट्टी बांध देता हूँ। रहने दो जी, पट्टी लगाने का समय ना है मेरे पास। हल्दी लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। अभी कुछ बनो भी ना है, काना भूखा प्यासा आता ही होगा। सुधा पर कहीं ना औषधि लगानी पड़ेगी। तू घर चल, घर पे औषधि लगा देती हूँ तुझे। क्या होगा, कष्ट बढ़ गया हो क्या? काना चला नहीं जा रहा क्या? तो फिर रो क्यों रहे हो? दाऊ मैया को पता चला मैं पहले दिन गिर गयो तो मेरा घर से निकलना बंद कर देगी। हाँ ये पक्की बात है। अच्छा अच्छा रो मत, मेरा घर यहाँ निकट में है, वहाँ ले चलती हूँ, फिर औषधि लगा दूँगी। तुझे अच्छा ठीक हो जाएगा, फिर चले जाइए अपने घर, ठीक है? चलो। नहीं, मुझे मेरी मैया के पास ही जाना है। है? मैया को बताना भी ना है और मैया के पास जानो भी है। काना तू तो चिंता मत ही कर, हम कैसे भी ताई जी को मना लेंगे, पर उन्हें तेरा घर से बाहर निकलना बंद ना करने देंगे। सच्ची? हाँ, सच्ची। चल तुझे घर ले चलते हैं। तो अच्छा हो तो ना, यदि कान्हा मेरे घर आने के लिए मान जा तो। फिर अपने हाथों से बहुत प्यार से माखन खिलाती। बस कान्हा अब कुछ ही दूर और है, तुम घर पहुंचने वाले हैं। मैं भी ना कैसी कैसी कल्पना करने लगी, ना जाने कान्हा का मेरे घर आना और माखन खाना मेरे भाग में लिखा है भी कि ना। चिंता मत करो जानकी, अपनी माखन चोरी की लीला का आरंभ मैं तुम्हारे घर से ही करूंगा। लगता है घर पहुंचने की प्रसन्नता में तेरे पाप की पीड़ा अपने आप ही समाप्त हो गई। नाना ताऊ बहुत कष्ट है सच्ची। हाँ हाँ चलो शीघ्र चलो। पट्टी अधिक तो नहीं कस गई महाराज? और कसो जी। महाराज पीड़ा के लिए ये औषधि।
मेरी वास्तविक पीड़ा वो विष्णु अवतार है, इसलिए ये औषधि। मुझे कोई लाभ नहीं देने वाली। लाभ होगा और किस वस्तु से होगा ये भी मैं जानती हूँ। महाराज कृपया आइए मेरे साथ। कान्हा को गए कितनी देर हो गई, यहाँ मैं उसकी स्मृति में बावली हुई जा रही हूँ। पता ना वहां उसे एक बार भी मेरा स्मरण भी हुआ होगा कि ना। वो तो मगन होके खेल रहा होगा, मैं भी ना कछु अधिक ही सोचती हूँ सच्ची। क्यों मेरा कान्हा, चोट लगी क्या? क्या होगा कान्हा? पीड़ा हो रही है लल्ला? हाँ? कित तो बोला है जी, अभी पल भर पहले तक कष्ट भूलकर मुस्कुरा रहा था, पर अपनी मैया को देखते ही सारा कष्ट फिर से स्मरण होगा उसे। मैं अभी हल्दी का लेप लेके आती हूँ, फिर तेरी सारी पीड़ा ऐसे लुप्त हो जाएगी। लल्ला बस कुछ समय प्रतीक्षा कर ले, तेरी मैया से तो कष्ट को भी भय लगता है, देखना जैसे ही वो लेप लगाएंगी कष्ट ऐसे भाग जाएगा। आ मैया। हाँ लल्ला। बस लल्ला बस। लल्ला देख जे हल्दी का लेप है जे बहुत चमत्कारी होतो है, कहीं भी कट जाए या कहीं चुभ जाए, रक्त निकल आए, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो जे सब ठीक कर देतो है। मैया आपको भी तो चोट लगी है। जे तो कछु ना है लल्ला। जननी बनकर तीस
हल्दी का नहीं थे मैया, ये बहुत चमत्कारी हो तो है। कहीं भी कट जाए, चुभ जाए या रक्त निकल आए, ये भी पूरी ना हो, सब ठीक कर देते हैं। कितना शक्तिशाली है मेरा लल्ला। कितनी शक्तिशाली है मेरी मैया। बस कुछ ही समय में तेरा घाव सूख जाएगा। फिर घाव स्वयं पूछेगा तुझसे, कान्हा ये कष्ट क्या होता है? ये कुछ समय में सूख जाएगा मैया, इसके बाद आपका घाव स्वयं पूछेगा, कान्हा की मैया ये कष्ट क्या होता है? अच्छा सच्ची सच्ची बता, कौन सी शरारत की तूने कान्हा कि जे इतनी अधिक चोट लग गई? अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, कौन सी शरारत की थी जो इतनी चोट लग गई? कैसा संजोग है ना यशोदा, मैया और लल्ला को एक ही दिन चोट लगी है। ना ये संजोग ना है नंद जी, बता किसकी भूल से लगी है ये चोट?